स्पॉन्सर्ड है, रेड कलर का सेंट बहुत ही बेकार होता है, कभी मत लेना। जोक सपाट। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है एड आर्किन भाई। आज इस वीडियो में फुल डिटेल में आज बताने वाला हूं मैं कि इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 की जनता का एक बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन ये आ रहा है कि इस बार का परफॉर्मेंस तुषार शेट्टी और आकाश अम्बेडकर का क्या 30 में 30 नंबर ला पाएगा, क्योंकि भाई इस बार की जनता बहुत ही ज्यादा नाराज हो चुकी है जज लोगों से। उन जनता का ये कहना है कि भाई आकाश अम्बेडकर और तुषार शेट्टी का परफॉर्मेंस तो काफी बेहतरीन था, लेकिन इन्हें नंबर वैसा नहीं मिला। भाई मैं आपको बताती कि वो लोग जज लोग हैं, वो लोग कितना भी नंबर दे सकते हैं, वो उनके हाथ में है। अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा, हो सकता है कोई बात होगा उसीलिए नहीं अच्छा लगा। तो गाइस आज इस वीडियो में फुल डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि इस बार का परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि आकाश अम्बेडकर और तुषार शेट्टी पे एक बहुत ही बड़ा प्रेशर है 30 में 30 नंबर लाने का। अब बताइए क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस हफ्ते के बाद, एक दो हफ्ते बाद होने वाला है फर्स्ट इलिमिनेशन, और इस हफ्ते तुषार शेट्टी और आकाश अम्बेडकर को 25 नंबर मिले हैं, जो कि इलिमिनेशन के लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। तो इस हफ्ते इन दोनों पे बहुत ही बड़ा प्रेशर है। भाई मैं आपको बता दूं कि आप जाके आकाश अम्बेडकर के इंस्टाग्राम हैंडल पे भी देख सकते हो, ये एक फोटो पोस्ट किए हैं जिनमें ये बता भी रहे हैं कि आप आर यू गेट रेडी फॉर ऑसम परफॉर्मेंस, मतलब कि ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इस बार देने वाले हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपके तुषार शेट्टी, आकाश अम्बेडकर आपके फेवरेट कंटेस्टेंट है या कोई और कंटेस्टेंट है, आप वोट किसको कर रहे हो। भाई वोट बहुत जरूरी है, ठीक है। यही है सच्चाई मेरे भाई। लव यू गाइस एंड थैंक यू मेरे भाई लोग।